अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, आई एम मोहम्मद अवेस एंड आई एम जनरल सेक्रेटरी ऑफ सिंध एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वार्मली वेलकम यू ऑल हियर इन टुडेज ऑनलाइन सेशन होस्टेड बाय सिंध एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। एज यू ऑल नो दैट वी यूज्ड टू ब्रिंग डिफरेंट सेशन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। इन द सेम वे वी हैव ऑर्गेनाइज्ड द सेशन ऑन डिजिटल लिटरेसी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ जॉइनिंग डिफरेंट कम्युनिटीज। इन टुडेज सेशन वी विल बी हैविंग द गेस्ट स्पीकर मिस मारुख, हु इज हैविंग हिज बैचलर डिग्री फ्रॉम इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम फास्ट Lahore, and she is serving as the assistant vice president at Softech. So without having any further delay, we'll be heading to our guest speaker. So over to you, Ms. Marukh. Assalamu alaikum. Am I audible to all of you? Yes, ma'am, you are audible. Okay. So it's Marukh. I am currently in my third year in FAST University Lahore, pursuing my computer sciences degree. And today I will discuss about digital literacy and the importance of joining different communities and different platforms on social media. Let me share my screen with you. So this is my screen. Topic is digital literacy. We all know about that. Let's keep it simple. So digital literacy consists of two words, which is the one is digital and then we have the literacy. So what is digital literacy actually is? In simple words, द स्क्रीन, स्क्रीन के अंदर क्या है और हमें स्क्रीन को यूज कैसे करना है, दिस बेसिकली मीन्स डिजिटल लिटरेसी। वी ऑल नो हाउ टू यूज द स्क्रीन्स, हाउ टू यूज मोबाइल्स, लैपटॉप्स, बट देर आर सर्टन रूल्स व्हिच वी शुड फॉलो एंड एथिक्स बेसिकली प्लेज अ वेरी मेजर रोल व्हाइल यूजिंग द इंटरनेट और द सोशल मीडिया। सो I have four main agendas regarding ko dekha ke it is ki hame internet ko use kaise karna hai. Internet ko use sabko karna aata hai, but ethics ke sath usko use kaise karna hai, hame usko aur hame apni success ke liye kaise use karna hai, ye main points hai. Kuch ऐसे वर्ड्स हैं जो हम सबका कॉन्टेक्स्ट पता होता है, बट हमें ये नहीं पता होता कि इट इज अ सेकंड पॉइंट व्हिच इज नेटिक्वेट्स। सो नेटिक्वेट्स होते हैं जिसके अंदर हमारा सोशल मीडिया को यूज कैसे करना है वो आ जाता है, कि हमें कभी कोई और बोल रहा हो तो हमें पता हो कि अच्छा ये इस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। अब हम सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट्स आर कोरिलेटेड विद ईच अदर व्हिच इज द ऑनलाइन एटिक्वेट्स। इसके अंदर एक मेजर जो पॉइंट एज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जो मुझे नजर आता है और जो हमारी यूनिवर्सिटी में जिस पर फोकस किया जाता है, एवरी सेमेस्टर फोकस किया जाता है। ये नहीं है कि सिर्फ पहले सेमेस्टर में फोकस किया गया था, दूसरे में किया गया, नहीं, हर सेमेस्टर में फोकस किया जाता है, एंड दैट इज द ईमेल एटिक्वेट्स। हम अपनी किसी भी फेज में हो, अभी हम सब स्टूडेंट्स, आप भी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो हमें जिंदगी के हर फेज में चाहिए होता है, ईमेल राइटिंग चाहिए होती है, क्योंकि कभी हम अभी एज अ स्टूडेंट हमें कभी अपने हेड्स को लिखनी पड़ जाती है, कभी हमें अपने टीचर्स को लिखनी पड़ जाती है, और जब हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे तो हमें अपने बॉसेस वगैरह को या जो हमारे कलीग्स होते हैं उनको लिखनी पड़ती है, और हम ईमेल लिखते हुए बहुत सी छोटी छोटी गलतियां जो आम तौर पर हो रही होती हैं। और मैंने सिंस अभी उन्होंने बताया कि आई एम द पार्ट ऑफ सॉफ्टटेक, मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो सॉफ्टटेक है वो मेरी यूनिवर्सिटी का एक इवेंट है जो कि लाहौर का बिगेस्ट आईटी इवेंट होता है। तो मैंने सॉफ्टटेक में रहते हुए भी, एक कम्युनिटी ही है उसमें रहते हुए भी, मैंने बहुत कुछ सीखा, जिसमें एक ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, क्योंकि जब हमने डिफरेंट कंपनीज के सीईओ से बात करनी होती है तो हमें ईमेल पर ही वो बात करनी होती है। तो ईमेल, अगर थोड़ा सा मैं ईमेल अगर आप लोगों से बात करूं ना, तो कुछ मेजर उसके पॉइंट्स हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लाइन, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पहली बात है कि जो सब्जेक्ट लाइन होती है ना, वो एक फ्रेज होना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं जिन जो इस बात में थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होते हैं, क्योंकि मैंने अपने साथ ही अपने जो मेरे फेलो स्टूडेंट्स हैं उनको देखते हैं, दैट इज अ मेजर मिस्टेक जो हमें नहीं करनी। सब्जेक्ट लाइन एक फ्रेज होना चाहिए, फ्रेज का मतलब कि उसके आगे फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए। और सब्जेक्ट लाइन लिखते हुए हमें ख्याल करना है कि सिर्फ प्रेपोजिशन जो है वो स्मॉल लेटर से शुरू होनी चाहिए, स्मॉल अल्फाबेट से शुरू होनी चाहिए, बाकी सब हमें लेटर वर्ड्स शुरू करते हुए फर्स्ट वर्ड कैपिटलाइज रखना है। देन सेकंड पॉइंट पर अगर हम आ जाए तो
लेंथी ईमेल्स नहीं लिखनी है हमें, और लेंथी ईमेल्स एक छोटा सा पॉइंट है तो लिखा हुआ है कि 120 वर्ड्स। हम अगर आमतौर पर हम अपने आप को ही देखें तो सोशल मीडिया पर कोई भी हमारी अगर पोस्ट होती है तो ऐसा हो रहा होता है कि कोई भी जो हमारी पोस्ट, अगर कोई हम पोस्ट देखें और वो काफी लंबी होती है जो उसके नीचे लिखा जाता है सी मोर, तो हम छोड़ देते हैं, हम कहते हैं कि हम क्यों देखें ये। सेम इज द केस जब हम अपनी ईमेल राइटिंग कर रहे होते हैं तो हम जिसको अपनी ईमेल भेज रहे होते हैं वो भी ऑब्वियसली उनके पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो हमारी पूरी ईमेल को पढ़ें। तो अगर हमें कहीं पर लग रहा हो कि 120 वर्ड से एक्सीड हो रही है तो हमें हमें फोकस करने की जरूरत हम अपने कंटेंट पे होती है कि हम उसको थोड़ा सा प्रिसाइज कर लें। और जो हमारी फर्स्ट लाइन होती है दैट प्लेज अ वेरी मेजर रोल इन दैट। फर्स्ट लाइन हमारी बहुत कैची होनी चाहिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कोई आपकी मेल को पढ़ के ये सोचे कि हाँ मुझे पूरी पढ़नी चाहिए। देन देर इज अ कॉल टू एक्शन, ये एंड पर आती है बात, बट ओके लेट्स डिस्कस। कॉल टू एक्शन मतलब होता है कि हम अब आखिर पे हम उनको कैसे अपनी क्लोजिंग कैसे करें। अच्छा, कुछ लोग क्लोजिंग अच्छी कर रहे होते हैं जैसे कि आई विल वेट फॉर योर रिस्पॉन्स, या अगर मीटिंग के लिए है तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ मीटिंग। अच्छा, ये एक ठीक है, ये कॉल टू एक्शन ठीक है, बट अब हमने अगले को ये फ्री दे दिया है कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ मीटिंग। अब अगला चाहे 2 हफ्ते बाद करे, 3 हफ्ते बाद सोचे, वो उसको पता है वो क्या सोचे, या वो बेशक सोचे ही ना कुछ कि मीटिंग करनी चाहिए या नहीं। तो हम अपने सेंटेंस को कुछ इस तरह से मोल्ड कर दें कि अगले को जवाब देना उसको लगे कि मुझे देना चाहिए। जैसे कि अगर हम ये लिख दें कि लेट अस नो योर अवेलेबिलिटी इन द नेक्स्ट वीक या इन द नेक्स्ट 2 डेज, अगले को थोड़ा सा एक दिमाग में ये आ जाता है कि मुझे अब इनको रिप्लाई करना चाहिए बिकॉज दे आर वेटिंग। एक और पॉइंट पर अगर बात की जाए, टू मैनी कलर्स, ये गलती मैंने सॉफ्टटेक में आकर की थी, और फिर मुझे मेरे हेड्स ने जब एक सेशन उन्होंने भी हमें दिया था और उस पर उन्होंने ये बताया, हम सोच रहे होते हैं कि अगर हम 2-3 कलर्स यूज करें ना मेल में तो कुछ चीज़ों को रेड कर दें, कुछ को ग्रे, और तो हमें एक कलर ब्लैक और उसको ग्रे के साथ हम कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं, लेकिन ये प्रेफर किया जाता है कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनको सिर्फ बोल्ड कर दिया जाए बजाय इसके कि एक अलग से कलर एक और जो है वो यूज़ किया जाए। एक और बात है, अक्सर ये कहा जाता है कि जो ईमेल है वो 3 पैराग्राफ्स में होना चाहिए। अब ये बात बिल्कुल ठीक है कि वो 3 पैराग्राफ्स में ही होना चाहिए, और उन 3 पैराग्राफ्स की डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हो रही होती है कि हमारा जो पहला पैराग्राफ होता है उसके अंदर हमने ये बता थोड़ा सा बैकग्राउंड देना होता है। अच्छा सॉरी, आई गेस नेटवर्क इशू हो गया था, मुझे कोई थोड़ा सा बता सकता है कि वेयर आई डिस्कनेक्टेड? मैडम हम ईमेल के 3 पैराग्राफ्स डिस्कस कर रहे थे। Okay, so okay, let me share my screen again. Sorry for the interruption. Achha, so talking about the 3 paragraphs, first I have already said ki jo first paragraph hota hai, wo ye hota hai ki humne usme thoda sa background batana hota hai, purpose batana hota hai ki I am writing this email for this particular purpose. Then talking about the second paragraph, so second paragraph mein ye hota hai ki humne ये बताना होता है कि मेजरली प्रॉब्लम क्या है जिसके लिए हम लिख रहे हैं, क्योंकि जो पहला पैराग्राफ है उसमें हम प्रॉब्लम एक्सप्लेन नहीं करते, उसको हमें शॉर्ट रखना होता है। दूसरे पैराग्राफ में हम थोड़े से उसको एक्सप्लेन करते हैं ताकि अगले को पता चले, रीडर को पता चले कि हम क्या बात किस बारे में बात करना चाह रहे हैं। और थर्ड पैराग्राफ में, अब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉल टू एक्शन और थर्ड पैराग्राफ। कॉल टू एक्शन इज यूजली अ सिंगल लाइन और अ टू, बट थर्ड पैराग्राफ में हम थोड़ा सा ब्रीफली उसको बता रहे होते हैं कि हम क्या चाह रहे हैं, जो रीडर है उससे क्या चाह रहे हैं हम। और जो कॉल टू एक्शन है वो थर्ड पैराग्राफ के बाद आते हैं। और कॉल टू एक्शन आई मीन, जैसे कि मैंने अभी आपको ही बताया कि लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर रिप्लाई इन द कमिंग 2 डेज, और लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ मीटिंग इन द कमिंग वीक। सो दिस इज कॉल टू एक्शन, जो अब अगला जो रीडर है उसको पता हो कि मैंने क्या एक्शन लेना। बुलेट पॉइंट्स पर आ जाते हैं। ये कहा जाता है कि बुलेट पॉइंट्स यूज नहीं करने हैं आपने अपने ईमेल राइटिंग में, बट दिस इज नॉट ट्रू। हम बुलेट पॉइंट यूज कर सकते हैं ताकि रीडेबिलिटी बढ़ जाए, लेकिन अब बात यह है कि अगर ईमेल में 2 से ज्यादा मेन पॉइंट्स हैं तो हमें बुलेट पॉइंट तब यूज करने हैं। सिर्फ ये नहीं है कि अगर हम एक ही टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसको एक बुलेट पॉइंट बनाकर लिख दें सेकेंड पैराग्राफ में। नो, दिस इज नॉट द राइट वे। अगर 2-3 टॉपिक्स हैं या एक ही टॉपिक के सब टॉपिक्स हैं तो हमें चाहिए कि हम उसको बुलेट पॉइंट्स बना दें। ये एक गलत बात नहीं है या ईमेल के एटिकेट्स के खिलाफ नहीं है, ये एक अच्छी बात है, हम इसको अडॉप्ट करें।
मैंने कुछ सैंपल एग्जाम्पल्स रखी हैं आप लोगों के लिए. ओके, सो वी हैव द फर्स्ट वन. इसकी स्टार्टिंग जो है डियर लिखा हुआ है, बट यूजली हमें चाहिए कि हम डियर सर, डियर मैम, या अगर हमें रेलिवेंट पर्सन का नाम पता है तो हम उसको मेंशन कर दें. उसके बाद उन्होंने एंडिंग में अगर आप देखें तो रिगार्ड्स नेम एबीसी कंपनी, दैट इज जनरल, वो हमें लिखना होता है, वो बिल्कुल ठीक है. शुरू में देखें उन्होंने लिखा हुआ है ग्रीटिंग्स, रीचिंग आउट टू डिस्कस अ बिजनेस कोलैबोरेशन, वी प्रोवाइड इनोवेटिव सॉल्यूशंस लाइक दिस एंड वी आर एन एबीसी कंपनी. इट्स जस्ट द इंट्रो लाइन्स एंड टू टू थ्री लाइन्स इंट्रोडक्शन, टू टू थ्री इंट्रोडक्टरी लाइन्स. फर्स्ट पैराग्राफ पे हमेशा थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना होता है और बताना होता है कि हम क्यों आपको रीच कर रहे हैं. तो थोड़ा सा बैकग्राउंड दें ताकि उनको पता चले कि क्यों ये ईमेल लिखा गया है. और फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में आप थोड़ा सा अपनी कंपनी के बारे में बताएं उसको. उन्होंने अब हम देख रहे हैं कि उन्होंने लिखा हुआ है कि वी आर एन एबीसी कंपनी, हम प्रोवाइड इनोवेटिव सॉल्यूशंस लाइक एक्स वाई जेड. आप जो वो जिस रेलेवेंट पर्सन को लिख रहे हैं उनको थोड़ा सा सेकेंड पैराग्राफ में एक्सप्लेन करना चाहिए कि हमारी कंपनी, और अगर वो किसी कंपनी को लिख रहे हैं तो आपकी कंपनी कैसे कोरिलेट कर रही है और हम किस कॉमन ग्राउंड पर आ सकते हैं. फिर जो थर्ड पैराग्राफ होता है उस पर उनको बताना चाहिए कि वो क्यों उनको रीच आउट करें. दे हैव रिटन बिजनेस कोलैबोरेशन, बट व्हाट टाइप ऑफ कोलैबोरेशन, अगले को कैसे पता चलेगा कि ये कैसी कोलैबोरेशन है. थोड़ा सा उनको बताना चाहिए कि ये कौन सी कोलैबोरेशन है. उसके बाद आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग विद यू टू एक्सप्लोर आवर कोलैबोरेशन. और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमें कॉल टू एक्शन को थोड़ा सा जनरलाइज्ड से हटकर थोड़ा सा उसको बता देना चाहिए कि आई लुक फॉरवर्ड फॉर अ मीटिंग इन द कमिंग टू डेज और कमिंग थ्री डेज, ये थोड़ा सा हमें उनको बताना चाहिए. और देयर इज एन अदर एग्जाम्पल जिसके अंदर उन्होंने बहुत ज्यादा कलर्स यूज किए हुए हैं. देखिए, एक ब्लू कलर यूज किया हुआ है, एक ग्रीन कलर यूज किया हुआ है. हमें चाहिए कि हम एक ही कलर रखें और बोल्ड और अनबोल्ड में थोड़ा सा फर्क रख लें ताकि थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाए इंपॉर्टेंट चीजें, और जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट नहीं है चीजें उनमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाए. हाँ, नाउ देयर इज एन अदर एग्जांपल, द थर्ड वन. लुक एट द, ओके सो लुक एट द सब्जेक्ट लाइन हियर, मिस्ड बायोलॉजी क्लासेस ऑन मंडे. मिस्ड एम कैपिटल, बायोलॉजी बी कैपिटल, क्लास सी कैपिटल एंड मंडे एम कैपिटल. There is an on which is a preposition, हमें उसको capitalize नहीं करना होता. और ये एक phrase है, missed biology classes on Monday. ये कोई पूरी line नहीं है, sentence नहीं है, ये एक phrase है जो कि बहुत जरूरी है कि हम उसको phrase रखें. हमारे पास आगे देखिए उन्होंने dear Miss Dr. Peterson लिखा हुआ है, that is a proper starting जिसके अंदर उन्होंने नाम लिखा है, सिर्फ dear लिख के छोड़ नहीं दिया. अब दिस इज अ शॉर्ट ईमेल तो उन्होंने दो पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, आखिर में थैंक यू फॉर योर टाइम लिखा है एंड सिंसियरली के बाद उन्होंने प्रॉपर एंडिंग की हुई है. ये एक छोटी ईमेल थी, अगर कुछ लंबी ईमेल हमें थोड़ी सी बात करनी तो हम थ्री पैराग्राफ्स में उसको रखते हैं. ईमेल सिर्फ ये नहीं होता कि अब हमारे अंडर ग्रेजुएट में काम आएगी, ग्रेजुएट हो भी जाए तो काम आती ही रहेगी. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि हमें उसके एडिक्वेट्स पता होने चाहिए अच्छे तरीके से. अब एक एजेंडा में मेरा जो फोर्थ पॉइंट था, दैट वाज अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट. अच्छा, हम सबको इसका मतलब पता है, इसके कॉन्टेक्स्ट का पता है, लेकिन हम सब जब ये अगर पर्टिकुलर वर्ड आया तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि पता नहीं इस वर्ड का क्या मतलब है. जैसे फुटप्रिंट्स का मतलब यही होता है ऑब्वियसली कि हम अगर जो हमारा जहां से हम गुजर चुके हैं वहां पर कुछ हम ऐसे पॉइंट्स रह जाए कि पता हो कि अच्छा वहां से हम गुजरे थे. सो डिजिटल फुटप्रिंट्स पे यही है कि सोशल मीडिया पर भी हमारे जो फुटप्रिंट्स हैं वो रह जाएं, जिसकी एक एग्जांपल गूगल और चैट जीपीटी है. आई होप सब आप अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग चैट जीपीटी से फेमिलियराइज होंगे, क्योंकि एवरी स्टूडेंट इज यूजिंग चैट जीपीटी दीज डेज. अच्छा, तो मैंने एक छोटी सी एग्जाम्पल के तौर पर अपने मोबाइल के स्क्रीन शॉट्स अटैच किए हैं इधर. देखिए, इस स्क्रीन शॉट में there is a thing about Google, then we have chip wars, there is a ChatGPT discussion. अब ये क्या चीजें हैं? मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैं कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट हूँ, तो ऑब्वियसली मेरा जो गूगल पे सर्च होता है वो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ही होता है. तो मैं जब उसको सर्च करती हूँ, गूगल अपने पास मेरे सर्च के फुटप्रिंट्स रख लेता है और मुझे अकॉर्डिंगली वो हेडलाइन जो न्यूज है वो शो कर रहा होता है. ये एवरी डे ये चेंज हो रही होती है.
अगर आप किसी भी डोमेन के स्टूडेंट हैं, फॉर इंस्टेंस आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, आप बीबीए कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, आप वो सर्च करते होंगे तो ऑब्वियसली आपकी चैट फीड पर भी उसी से रिलेटेड जो है कुछ आर्टिकल्स आते होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आर्टिकल्स। मैं फिर से एक कम्युनिटी का जिक्र करूंगी, GDSC। ये भी एक सोसाइटी कम्युनिटी है जिसके बारे में भी हम आगे थोड़ी सी बात करते हैं। उनका एक इवेंट हुआ था जिसमें गूगल से उनके स्पीकर्स आए हुए थे, तो उनके एक स्पीकर ने ना बहुत अच्छी बात अब शेयर की थी जिसको मैंने तब एडॉप्ट किया, और मुझे ये लगता है कि एज अ स्टूडेंट हमें वो एडॉप्ट जरूर करना चाहिए क्योंकि वो बहुत यूजफुल बात थी। अच्छा, वो बात क्या थी कि उन्होंने बोला कि मैंने अपनी आदत बना ली है कि रात को सोने से पहले मोबाइल हम सबके पास होते हैं, हम सब हर वक्त मोबाइल यूज कर रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा कि रात को सोने से पहले गूगल की जो ये एक फीड होती है ना, उसकी हेडलाइंस मैं सिर्फ पढ़ लेती हूँ। जैसे कि अब मुझे जरूरत नहीं है कि मैं पहला आर्टिकल लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर स्टूडेंट ट्रेनिंग इन इंजीनियरिंग, तो मैं इसको खोलूंगी क्योंकि मुझे देख के पता चल रहा है कि ये एक इंटर्नशिप के लिए है। अगला मुझे पता चल रहा है आजकल यूरोप में किस चीज पर वॉर हो रही है, वो उधर साफ लाइन आई हुई है। इसको सिर्फ देखकर मुझे ये पता चल रहा है कि बात किस बारे में हो रही है। अगर मुझे किसी चीज का नहीं पता होगा तो मैं उसको क्लिक करके खोल लूंगी, सेंस अगर मुझे पता है तो मैं खोलूंगी नहीं। इस तरह क्या होता है कि मैं अपनी उस कम्युनिटी में इन रहती हूँ। जैसे अगर मेरी कंप्यूटर साइंस का बंदा मेरे से कोई बात कर रहा है पता होगा कि अच्छा आजकल मेरी फील्ड में ऑब्वियसली उससे रिलेटेड चीजें आएंगी। अपनी आदत आज से बना लें कि ये हेडलाइंस जो है ये पढ़िया सुबह उठ के पढ़ लें, कोई एक ही इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ कि आप अपनी फील्ड में कितना आपको पता है उन चीजों के बारे में। आप एक चैट जीपीटी की एग्जाम्पल भी हम ले लेते हैं, अगर मैं चैट आंसर देगा वो एक ट्रेनिंग मॉडल है, लेकिन उसके अंदर भी फुट प्रिंटिंग की ही बात आ जाती है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं अपने चैट जीपीटी को डिजिटल लिटरेसी, तो वो मुझे फॉर इंस्टेंस 3 या 2 लाइन डेफिनेशन वो मुझे जरूर देगा, वो 2 लाइनों में दे देगा। फिर अगर मैं उसको कहूँ कि गिवन सिंपलर वर्ड्स, वो मुझे उस अगर वो बहुत मुश्किल इंग्लिश यूज कर रहा है तो वो मुझे थोड़ी सी सिंपलर इंग्लिश देगा। फिर अगर मैं उसको कहूँ कि पैरा फ्रेज, तो वो मुझे उसको चेंज भी करके दे देगा। अब जब मैं अगली दफा एक और क्वेश्चन दफा 2 लाइनों का आंसर मांगा था और मैंने उसको सिंपलर इंग्लिश में भी मांगा था, तो वो नेक्स्ट टाइम ख्याल रखेगा कि मैंने अगर कोई आंसर करना है तो मैं उसको 2 लाइंस रखूं और मैं उसको थोड़ा सा आसान वर्जन ऑफ इंग्लिश दूं। ये चीजें ये फुटप्रिंटिंग, यही फुटप्रिंटिंग होती है जो कि हमें इफेक्टिवली यूज करनी चाहिए, एंड दिस कम्स अंडर डिजिटल लिटरेसी। ये हमारे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म के साथ होता है, हमारा इंस्टाग्राम, हमारा फेसबुक, सबके साथ यही होता है। हम जिस चीज को ज्यादा लाइक कर रहे होते हैं, जिसके बारे में ज्यादा देखना चाहते हैं, वो हमारे सामने आता है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ डिजिटल फुटप्रिंटिंग। हमारा एक और छोटा सा टॉपिक है, दैट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ ज्वाइनिंग डिफरेंट कम्युनिटीज एंड डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एज वेल। सो वेट अ सेकेंड, ओके। सो अब सबसे पहले प्लेटफॉर्म की अगर बात कर लें तो लिंक्डइन बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। आई होप आप सबको इसका पता होगा, अगर नहीं पता किसी को तो ये बहुत जरूरी है कि इसके बारे में आप लोग जानें और इसके बारे में पढ़ें, अपनी इन पे प्रोफाइल्स बनाएं, दैट इज वेरी क्रूशल। किसी भी डोमेन में आप किसी भी डिग्री में आप एनरोल हैं, आपको लिंक्डइन चाहिए। आप एक शेफ की एग्जांपल ले लें, हम सोचते हैं कि यार उन्होंने लिंक्डइन क्यों बनानी है, तो उनकी भी लिंक्डइन हैं क्योंकि लिंक्डइन पे भी कम्युनिटीज हैं। कंप्यूटर साइंस की अलग कम्युनिटीज हैं, सेल्स मार्केटिंग की अलग कम्युनिटीज हैं, बेकरी में अगर हमारे शेफ्स होते हैं उनकी एक अलग कम्युनिटीज हैं, सबकी डिफरेंट कम्युनिटीज हैं। सो लिंक्डइन अगर नहीं है तो आज ही बनाएं, और अगर है तो उसको मेंटेन ऐसा करें कि लोग खुद आपको अप्रोच करें डिफरेंट चीजों के लिए। जरूरी नहीं होता कि सिर्फ जॉब्स की जाएं एक दफा पढ़ के, जॉब्स के दौरान बहुत सी ऐसे चांसेस होते हैं जो हमें मिल सकते
है जस्ट बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन. सबसे पहले नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे ग्रोथ के लिए. देखिए, अगर मुझे किसी का पता है ना थ्रू लिंक्डइन, तो मैं अगर कल को इंटरव्यू देने जा रही हूँ ना, तो आई कैन टॉक अबाउट हिम. ये बात हमेशा याद रखें, लोगों को अच्छा लगता है जब हम उनके बारे में बोलते हैं, उनको अच्छा लगता है जब हम उनसे उनका सुनते हैं. तो अगर हम किसी को उनका बता रहे हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन में ही, तो जरूर कंसिडर करेगा. और नेटवर्किंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ. इसको इसकी स्किल्स को एनहांस करने की कोशिश हमेशा करते रहा करें. जैसे कि मैंने बता दिया फर्स्ट इंप्रेशन मैटर्स, तो ऑब्वियसली अगर आप फर्स्ट इंप्रेशन डाल लेंगे तो उनको पता होगा आगे की लाइफ के लिए कि हाँ आई हैव मेट हिम और हर बिफोर, तो मुझे इसको चांस देना है. देन नॉलेज शेयरिंग एंड लर्निंग. अभी मैंने आपको गूगल की एग्जाम्पल दी है, तो गूगल पे भी यही होता है कि आपकी जो नॉलेज है उसमें इजाफा हो रहा होता है जब आप लिंक्डइन पर होते हैं, अपनी कम्युनिटी में रहते हैं, अपने फेलोज जो आपके होते हैं आपकी पर्टिकुलर फील्ड के, उनसे आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो रही होती है, या डिफरेंट पेजेस को आप लाइक करते हैं तो आपको पता होता है कि आपकी फील्ड में क्या चल रहा है इस वक्त. उसका जानना बहुत जरूरी है. आई हैव हाईलाइटेड बिफोर एज वेल. करियर डेवलपमेंट एंड गाइडेंसेस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है. देखिए, जब आप कोई डिग्री कर रहे होते हैं ना, आपको लगता है कि जैसे 3 साल पहले के लोग जो ग्रेजुएट हुए हैं ना, उन्होंने ये जॉब्स ली हैं इस पर्टिकुलर डिग्री की, हमें भी यही जॉब्स करनी है. मैं कंप्यूटर साइंस की आपको एग्जांपल देती हूँ. कंप्यूटर साइंस को बेसिकली कहा जाता है कि कोडिंग करनी होती है उसमें. आई होप आप लोगों में से कंप्यूटर्स पढ़ी होगी कुछ ने, तो यही होता है कि आप कोडिंग कोडिंग करनी है, हमने कोडिंग कर रहे होते हैं यूजली कंप्यूटर साइंस के बारे में कहा जाता है. तो मैंने जब डिग्री में आई, तो मुझे इतना इंटरेस्ट कभी भी कोडिंग में नहीं रहा और ना है भी. लेकिन मुझे यही पता था कि शायद कोडिंग ही करनी है बाद में ग्रेजुएट होके भी. लेकिन मैंने लिंक्डइन से मैंने ये सीखा है कि लोगों की हेडलाइंस में लिखा होता है कि वो कंप्यूटर साइंस की डिग्री कर रहे हैं, लेकिन वो कंप्यूटर साइंस नहीं कर रहे होते. दे आर एक्चुअली डूइंग मार्केटिंग, मार्केटिंग कर रहे होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे होते हैं वो. हालांकि ये कोडिंग की डिग्रीज बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वो कर रहे होते हैं. आपको इन्हीं प्लेटफॉर्म से पता चलता है कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं. आप फिर अपने लूप होल में नहीं रह जाते, आपको पता चलता है कि इससे बाहर भी दुनिया है, मैं वहां पे भी अपॉर्चुनिटीज को देख सकता हूँ. और क्रेडिबिलिटी एनहांसमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर देखिए, हमें लिंक्डइन का पता चलता है जब हम यूनिवर्सिटीज में आ जाते हैं. अगर हमें कॉलेजेस में पता हो, हम तब से ही अपनी जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल बिल्डिंग है, वो शुरू कर सकते हैं. अब जब हम यूनिवर्सिटीज में आ जाते हैं ना, छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर कर रही होती हैं. आपने आपने फॉर इंस्टेंस किसी कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया है, आपको सिर्फ एक सर्टिफिकेट मिला है, आपने प्राइज नहीं विन किया, सिर्फ एक सर्टिफिकेट भी मिला आपको, आप उसको पोस्ट करें. आपको अगर आपने किसी कॉम्पिटिशन में सॉरी किसी कम्युनिटी में पार्ट लिया है, या आप उसमें वॉलंटियर भी वर्क कर रहे हैं, उसको पोस्ट करें. आपने होपफुली इंशाल्लाह सबने कल को जॉब्स पर जाना है. जब हम जॉब्स पर जाते हैं ना, तो लोग अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, वो हमसे एक CV का पेपर नहीं मांगते, हमसे पूछते हैं कि एक्चुअली में प्रैक्टिकली क्या किया आप लोगों ने. हमें वो करके दिखाना होता है उनको प्रैक्टिकली कि हमने क्या किया था. कुछ लोग होते हैं जो करके उस वक्त तो नहीं दिखा रहे होते, लेकिन उनके पास ऐसे प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए कि उनको पता चले कि आप जो बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं कि नहीं. हम प्रोजेक्ट्स करते हैं, वो हम उठाकर साथ नहीं लेकर जा सकते इंटरव्यूज के लिए, लेकिन हम वो लिंक्डइन पर पोस्ट कर सकते हैं. मैं लिंक्डइन को इसलिए ज्यादा हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि लिंक्डइन आज लिंक्डइन ही है. अब हमें इसी पर ही काम करना है और फ्यूचर में भी यही रहेगा. हर किसी की क्रेडिबिलिटी के लिए यही यूज होता है. इवन आप देखें, अगर किसी को बहुत अच्छी कोडिंग, किसी को अपनी फील्ड का बहुत अच्छा काम आता है, और एक दूसरा बंदा है जिसको इतना अच्छा काम नहीं आता, लेकिन उसने लिंक्डइन को बहुत अप टू डेट रखा हुआ है, अपने हर प्रोजेक्ट्स बेशक वो काम है लेकिन उसने लगाए हुए हैं, तो जो जो जिसने जॉब देनी है ना, वो चीज देखेगा कि यार इसकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा है. पता नहीं वो जो बोल रहा है उसने वो प्रोजेक्ट्स किए भी हैं कि नहीं, इसने तो करके लगाए भी हुए हैं. तो अपनी लिंक्डइन तो बहुत अच्छे से उसको रिप्रेजेंट करें दुनिया के सामने, दुनिया को आपको पता होना चाहिए उसके थ्रू. और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो लिंक्डइन पर ही आ जाती है ना, आपकी प्रोफाइल फोटो है, उसके ऊपर जरूर फोकस करें. ऐसे नहीं होनी चाहिए कि आप साइट पर देख रहे हैं और किसी ने सामने से ली हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए आपके पीछे से फोटो लगी हुई है.
दिस इज नॉट एट ऑल प्रोफेशनल फोटो, ऐसी नहीं लेनी है, सीधी लेनी है, फेस क्लियर नजर आना चाहिए आपका, ये बहुत मैटर कर रहा होता है. अच्छा अगली चीज हमारी, सो ये लास्ट हमारे पास एक चीज है, कम्युनिटीज. अच्छा अब कम्युनिटीज यहाँ पर जो मेरे लिखी हुई है, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट लर्निंग एम्बेसडर कम्युनिटी, गूगल डेवलपर एंड AWS GitHub, ये बेसिकली कंप्यूटर साइंस से ही रिलेटेड है. आपकी फील्ड में आपको आपको कम्युनिटीज मिल जाती हैं. अब GDSE सिर्फ कंप्यूटर के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये सोचा जाता है कि कंप्यूटर के स्टूडेंट्स के लिए ही है. नहीं, ये कंप्यूटर के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, इट इज ओपन फॉर एवरीवन. हर एक कम्युनिटी में डिपार्टमेंट्स होते हैं और उन डिपार्टमेंट्स को जरूरत होती है हर हर डिग्री के स्टूडेंट्स की. GDSE में मेरा, मैं आपको एक वाक्य शेयर करूं, एक्सपो सेंटर लाहौर में बहुत ही एक बड़ी जगह है जहाँ पर डिफरेंट टॉक्स वगैरह भी होती हैं और डिफरेंट एक्सपोज भी लगते हैं. उधर मुझे लास्ट ईयर आई वॉलंटियर्ड देयर, मुझे एक लड़का मिला और वो किसी गांव से था, लेकिन ही हैज़ अ लॉट ऑफ नॉलेज और मैं बहुत हैरान हुई कि उसके पास इतनी कहाँ से नॉलेज थी. उसने मुझे तब वहां पर बताया कि मैं GDSE का पार्ट हूँ और वो GDSE में डिजिटल मीडिया का पार्ट है. देखिए मीडिया हम सबको यूज करना आता है, डिजिटल मीडिया का पार्ट होना उसके लिए कंप्यूटर का जानना, कोडिंग का जानना बहुत जरूरी नहीं है. कंप्यूटर का थोड़ा बहुत सबको पता होता है. डिफरेंट कम्युनिटीज को एक्सप्लोर करें, उनमें कोई ना कोई ऐसी जगह होती है जहां पर आप लोगों की जगह बन जाती है. और जरूरी नहीं है कि आप सोच रहे हो कि अगर मैं ये फील्ड का पढ़ रही हूँ तो मुझे इस फील्ड की ही कोई जगह ढूंढनी है. नहीं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है. आपकी स्किल्स पर डिपेंड करता है सब कुछ. अगर आपकी फोटोग्राफी की स्किल्स अच्छी है, वीडियोग्राफी की स्किल्स अच्छी हैं, ये तो आजकल डिपार्टमेंट हर कम्युनिटी में है, आप उसमें जरूर अप्लाई करें. सो लेट्स जस्ट कंक्लूड, काफी टाइम हो गया आई गेस. आई होप कि आपको थोड़ा बहुत फायदा हुआ होगा. और अगर थोड़ा सा मैं कंक्लूजन दे दूं, तो एक हमने डिजिटल लिटरेसी पर बात की है जिसमें हमारे पास डिजिटल फुट प्रिंटिंग आ जाती है. और इसके अलावा अगर हम दूसरे टॉपिक की बात करें, उसके अंदर हमने कम्युनिटीज एंड प्लेटफॉर्म्स, खास तौर पर लिंक्डइन, उस पर फोकस किया है. आई होप आप लोग लिंक्डइन को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करेंगे ताकि आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिल सके. एंड ईमेल इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको सीख लें. बहुत सी डिग्री, जब आप जॉब्स के लिए जाते हैं, बहुत से लोग वैसे ही रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि उनको ईमेल ही नहीं लिखनी आ रही होती है. तो HR वो देखने पसंद नहीं करते कि अगर ईमेल नहीं आती लिखनी तो वो इंसान क्या करेगा आगे. So, all right, thank you so much, Ms. Maruk, for your time and sharing the wonderful experience and insights about digital literacy. So, that's all from today's session. We will come up with another session in few days. So, thank you so much, all the participants and our guest speaker, for their time and sharing their wonderful insights about digital literacy. Thank you so much. Thank you so much. Allah Hafiz. Allah Hafiz.